फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउजर इज कुकिंग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जैन उपवास के बारे में, जिसमें सिर्फ गर्म पानी लिया जाता है, वह भी सनराइज से सनसेट तक। इसी कारण इस उपवास में बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें पित्त की प्रॉब्लम होती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, चक्कर आते हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिससे वो लोग उपवास नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ ऐसी एक खास ट्रिक जिससे काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी। तो देखते हैं क्या है वो ऐसी खास ट्रिक। तड़का पेन लेंगे और उसमें डालेंगे लवंग का पाउडर, इलायची पाउडर और खड़ी शक्कर, जिसे हम मिश्री भी कहते हैं, और थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्लो फ्लेम पर इसे हल्का सा गर्म करेंगे और ये देखिए तैयार हो गया है। अब जब भी आपको उपवास करना है, उसके पहले रात को सोने से पहले इसे लेना है। ध्यान रहे कि उसके बाद पानी नहीं पीना है, सिर्फ कुल्ला करके सो जाना है। उपवास में जो पित्त की समस्या होती है वह काफ़ी हद तक इससे कम हो जाएगी। केसर पानी बनाने के लिए हमने लिया है एक गिलास 10 से 15 केसर के धागे, मिश्री पाउडर और पानी। ओवरनाइट इसे भिगो दिया था, जो कि मैंने पहले से बना कर रखा है। और देखिए केसर का कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस और इसे इस तरह से उलट पुलट कर मिक्स करेंगे। केसर बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत ही फायदेमंद होता है, इसीलिए इसे उपवास के पारने में सबसे पहले लिया जाता है, या फिर इसी का दूसरा ऑप्शन है लवंग और काली मिर्च का पानी। लवंग और काली मिर्च का पाउडर। अब हम लेंगे एक हमाम दस्ता और उसमें डालेंगे लवंग और काली मिर्च, कूट कर बारीक पाउडर बना लेंगे। और ये लीजिए पाउडर तैयार है। अब हम लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे पानी। उबाल आने के बाद ये पाउडर डाल देंगे और डालेंगे मिश्री पाउडर। लीड लगाकर स्लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। 7 मिनट हो गए हैं और ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इसे छान लेंगे। अब बनाएंगे स्वाद और सेहत से भरपूर गोंद की राब। पैन लेंगे, सिर्फ एक छोटा चम्मच घी डालेंगे। घी हल्का गर्म हो गया है। अब गोंद डीप फ्राई न करके सैलो फ्राई करेंगे, लगातार चलाएंगे। गैस की फ्लेम स्लो है। गोंद हड्डियों को मजबूत बनाता है, इसीलिए तो प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं को इनके लड्डू खिलाए जाते हैं और उपवास के बाद वीकनेस दूर करने के लिए गोंद की राब पिलाई जाती है। देखिए सारा गोंद फूल गया है। अब इसमें डालेंगे पानी, काली मिर्च पाउडर, जिंजर पाउडर, मिश्री पाउडर और आप चाहे तो गुड़ भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे। स्लो फ्लेम पर लीड लगाकर 4 से 5 मिनट तक उबलने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, गैस को बंद करेंगे और इसे छान लेंगे और बादाम से गार्निश करेंगे। आप इसे राजस्थानी विंटर सूप भी कह सकते हैं। अब हम बनाएंगे बाजरे के आटे की नमकीन राब। एक पैन लेंगे और डालेंगे थोड़ा सा घी। फ्लेम स्लो रखेंगे और डालेंगे बाजरे का आटा। 8 से 10 मिनट तक लगातार चलाते हुए इसे सेकेंगे। बाजरा ग्लूटेन फ्री होता है, इसीलिए डाइजेस्ट करना आसान होता है। और ना ही केवल फाइबर और विटामिन रिच है, बल्कि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी होता है। कलर भी चेंज हो गया है और अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अब हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसे फटाफट चलाते रहेंगे, वरना गांठें पड़ सकती है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। सेंधा नमक और हल्दी, जीरा को क्रश करके डालेंगे। लीड लगाकर 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट हो गए, चेक कर लेते हैं। एक बाउल में निकालेंगे और घी से गार्निश करेंगे। अब बनाएंगे मिक्स मूंग और मोठ। दोनों को मिक्स करके वॉश कर लिया है और 4 घंटे पहले पानी डालकर भिगो दिया। आप चाहे तो इसे बिना भिगोए भी बना सकते हैं, सिर्फ प्रेशर कुकर की 2-3 सीटियां ज़्यादा लेनी है। प्रेशर कुकर लेंगे, पारने के लिए बना रहे हैं इसीलिए घी डालेंगे। जीरा, हींग, लाल मिर्च पाउडर और भिगे हुए मूंग, हल्दी, नमक मिक्स करेंगे। ढक्कन लगाएंगे और एक विसल बजने तक पकाएंगे।
प्रेशर निकल गया है और ये देखिए ये सॉफ्ट भी है और खिले खिले भी। इसे बाउल में निकाल लेंगे और थोड़ा सा घी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये आपको एक उपवास के बारे में बताया था जो कि बेसिक था। इसके अलावा यदि आप जानना चाहते हैं कि दो उपवास से लेकर एक महीने तक के उपवास में क्या खाना चाहिए, उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।